जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है फरवरी के माह में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा होना है और उसमें करंट अफेयर्स समसामयिक घटना चक्र अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी संदर्भ में आज का वीडियो नॉलेज बिज पर प्रस्तुत है। मैं संजीव वैद्य, इसको ध्यान से सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स में मैं आपको बताऊंगा कौन, क्या और कहां, नवीनतम पदों पर कौन कौन से अधिकारी पद स्थापित हैं। इसमें संवैधानिक, न्यायिक, संसदीय और अन्य बलों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारियों की श्रृंखला में, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद पद स्थापित हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में श्री वेंकैया नायडू। न्यायिक प्रमुखों की बात करें तो इस वक्त भारत के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा हैं, देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर के वेणुगोपाल हैं और सॉलिसिटर जनरल के रूप में रंजीत कुमार कार्यरत हैं। संसदीय प्रमुखों की बात करें तो राज्यसभा के सभापति हैं श्री वेंकैया नायडू और राज्यसभा के ही उपसभापति हैं प्रोफेसर पीजे कुरियन। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में स्थापित हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन और लोकसभा के ही उपाध्यक्ष हैं एम थंबीदुरई। लोकसभा के महासचिव हैं इस समय स्नेहलता श्रीवास्तव और राज्यसभा के महासचिव हैं श्री देश दीपक वर्मा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद हैं और राज्यसभा में नेता सत्तापक्ष अरुण जेटली हैं। वहीं लोकसभा में नेता सत्तापक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयोग में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर श्री ओपी रावत मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदस्थापित हुए हैं। वहीं चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुनील अरोड़ा वर्तमान में कार्यरत हैं। देश के सीएजी अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में राजीव कुमार महर्षि कार्यरत हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की बात करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत काम कर रहे हैं। वहीं वायुसेना अध्यक्ष के रूप में एयर चीफ मार्शल वीएस धनोआ और नौसेना अध्यक्ष के रूप में एडमिरल सुनील लांबा इस वक्त कार्यरत हैं। वहीं महानिदेशक सैन्य संचालन डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट। जैसा कि आपको पता है कि देश का राष्ट्रपति तीनों स्कंदों का प्रधान सेनापति होता है। भारत सरकार के सचिव एवं सलाहकार मंडल में शामिल हैं कैबिनेट सचिव के रूप में प्रदीप कुमार सिन्हा, प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में भास्कर खुलवे, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं नृपेंद्र मिश्र, विदेश सचिव एस जयशंकर, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा, वित्त सचिव हसमुख अढ़िया, रक्षा सचिव संजय मित्रा, राजस्व सचिव डॉक्टर हसमुख अढ़िया हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर आर चिदम्बरम। वहीं भारत सरकार के केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं श्री अरविंद सुब्रमण्यम। भारत सरकार का एक और महत्वपूर्ण विभाग है गुप्तचर एवं जांच संगठन, जिनके प्रमुख हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं केवी चौधरी। केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य आयुक्त हैं राजीव। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के डायरेक्टर हैं आलोक वर्मा। देश के इस वक्त मुख्य सूचना आयुक्त हैं आर के माथुर। इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी के डायरेक्टर हैं राजीव कुमार जैन। वहीं रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी श्री अनिल कुमार धस्माना। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल हैं योगेंद्र चंद्र मोदी।
अर्धसैन्य बलों के प्रमुखों की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं रजनीकांत मिश्रा, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं केके शर्मा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं राजीव राय भटनागर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं ओपी सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक हैं सुधीर प्रताप सिंह, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक हैं दुर्गा प्रसाद। वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक हैं आर के पचनंदा, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीएस सहरावत, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं राजेंद्र सिंह, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक हैं धीरेन्द्र कुमार, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा, आसाम राइफल्स के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह, वहीं होमगार्ड के महानिदेशक हैं आरआर वर्मा। इसके अलावा भारत सरकार के कुछ अन्य आयोग भी हैं, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी और वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डेविड आर सिमली, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं ललिता कुमार मंगलम, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं कुशल सिंह, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं अमिताभ भट्टाचार्य, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वेनगाला ईश्वरैया। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं राय शंकर कठोदिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच एल दत्तू, वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सैयद हसन रिजवी। इसी तरह केंद्र सरकार के कुछ बोर्ड हैं, जैसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं अश्विन लोहानी, सेबी सिक्योरिटी ऑफ द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं सुशील चंद्रा, सेंट्रल स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं अनीता करवाल। वहीं कुछ महारत्न कंपनियां हैं जिनके डायरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए, जैसे एनटीपीसी के डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह, ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं शशि शंकर, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं पीके सिंह, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं बीसी सिंह, वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं संजीव कुमार सिंह, कोल इंडिया के डायरेक्टर हैं एस भट्टाचार्य, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के डायरेक्टर हैं डी राजकुमार, बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के डायरेक्टर हैं अतुल सोबती। इसके अलावा खेल संगठनों के प्रमुखों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हैं मिस्टर विनोद राय, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के शशांक मनोहर, प्रथम डिप्टी चेयरमैन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इमरान ख्वाजा, मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम रवि शास्त्री, अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ दुष्यंत चौटाला, अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति संदीप पाटिल, अध्यक्ष भारतीय फुटबॉल परिसंघ प्रफुल्ल पटेल, अध्यक्ष भारतीय हॉकी संघ कंवरदीप सिंह, अध्यक्ष एशियाई फुटबॉल परिसंघ शेख सलमान बिन इब्राहिम बहरीन के हैं, अध्यक्ष हॉकी इंडिया हैं मरियम माकोशी, अध्यक्ष मुक्केबाजी महासंघ हैं अजय सिंह, अध्यक्ष एथलेटिक फेडरेशन सेबेस्टियन को, इंटरनेशनल एथलेटिक एसोसिएशन के सेबेस्टियन को, अध्यक्ष एशियाई एथलेटिक फेडरेशन दहलान जुमन अल हमद, अध्यक्ष अखिल भारतीय टेनिस संघ, अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ गुरिंदर बत्रा, अध्यक्ष
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जर्मनी के थॉमस बॉक, सेक्रेटरी जनरल एशियाई ओलंपिक काउंसिल रणधीर सिंह इंडिया से, इसी तरीके से फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं जियानी इन्फेंटिनो, अध्यक्ष विश्व स्क्वैश फेडरेशन एन रामचंद्रन जो कि इंडिया से हैं, अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद तेलंगाना सुमति पाला, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन ब्रजभूषण शर्पा सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय खेल परिषद हैं विजय कुमार मल्होत्रा। वैसे ही हमारे वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख भी जानकारी में होना चाहिए। जैसे कि आपको बता दें कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अभी अभी चेंज हुए हैं, एएस किरण कुमार की जगह के सिवान इसके नए अध्यक्ष बनकर के सामने आए हैं। वहीं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर वासु हैं, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं एस ए भारद्वाज, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के डायरेक्टर हैं के एन व्यास, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं एस क्रिस्टोफर, वहीं सीएसआईआर के महानिदेशक हैं गिरीश साहनी और औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं टी रामासामी। इसी प्रकार प्रेस एवं मीडिया के हेड भी आपको पता होना चाहिए, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष चंद्रमौली कुमार प्रसाद, एफटीआईआई भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष अनुपम खेर हैं, आकाशवाणी के महानिदेशक एफ शहरयार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विवेक गोयनका, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार, इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं अकीला उरानकर। इसी प्रकार भारत सरकार के कुछ शैक्षणिक एवं अकादमिक संस्थान भी हैं, जैसे यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश हैं, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के उपकुलपति हैं एम असलम, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर विजय भाटकर, जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति हैं नजमा हेपतुल्ला। इसी प्रकार राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं हृदेश सेनापति, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। तो साथियों ये कुछ विभागों के प्रमुख थे, इसके अलावा और भी कई सेक्टर हैं जहां के प्रमुखों की जानकारी आपको होना चाहिए और आने वाले वीडियो में मैं आपको उनके बारे में अवश्य बताऊंगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।